हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो सुबह का टाइम है और दिन की शुरुआत हो गई है, बज रहे हैं 9 और मेरी दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई क्योंकि मैंने करवा लिया हेड मसाज, भाभी से तेल लगवा लिया सर में, क्योंकि कल ट्रैवल करके आई थी, पूरे बाल उलझ गए थे। सो अभी सुबह उठ के फटाफट से करवाई हेड मसाज और आज मैं भाभी से करवाने वाली हूँ कॉफ़ी फेशियल, क्योंकि घूमने गई थी तो काफ़ी ज़्यादा टैन हो गया है। सो मैंने सोचा कि कॉफ़ी फेशियल करवाती हूँ क्योंकि वो बेस्ट है टैन रिमूवल के लिए और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होता है। फेशियल घर में कर लो आप, बड़े इजी से स्टेप्स होते हैं उसके। सो आज वो करवाऊंगी, टैन थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, शक्ल के 12 बजे में वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। और अभी चलते हैं किचन में, मैं दिखाती हूँ आज भैया ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल बना रहा है, क्योंकि जो वो बना रहा है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं किचन में, आ जाओ। मैंने किया है। चल भाई दफा हो जाओ। देख हफले बन के तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर और आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम हो रहा है, पूरे हवा चल रही है मस्त वाली और हमारे बगल में हो रही है शादी, यहाँ से जाएगी अभी बारात, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और भाभी और मैं आ गए हैं यहाँ पर बैठने क्योंकि मस्त मौसम हो रहा है। और मैं अपना नाश्ता ले आई हूँ, ये है मेरा हाफ फ्राई और ये है गाय का दूध, ये होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी, तो मम्मी ने मुझे गाय का दूध दिया है। तो अभी नाश्ता करते हैं। हेलो भाभी। हाय। आज मैं भाभी से करवाने अपने लिए अपना कॉफ़ी फेशियल, हेड मसाज तो मेरी हो चुकी है। अभी भाभी का पोहा बन रहा है अंदर, क्योंकि भाभी अंडा नहीं खाती है तो भाभी का पोहा बन रहा है और मैं तब तक अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। अपन लेता है अपनी फर्स्ट बाइट, किसकी? हाफ फ्राई की। मज़ा आ गया। बन ऑमलेट और हाफ फ्राई की बात ही अलग होती है। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, बर्तन साफ कर दिए, किचन साफ कर दिया है और पड़ोस में जो मैं बता रही थी ना शादी हो रही है, अब इनकी बारात निकल रही है तो बैंड बाजा बनना शुरू हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और मैं करवाती हूँ भाभी से अपना कॉफ़ी फेशियल। इतनी मस्त बारिश हो रही थी, बारिश भी रुक गई है, पर अच्छी बात है इनकी बारात निकल जाएगी तब तक। चले भाभी। हाँ, लेट्स गो। सो मेरा कॉफ़ी फेशियल हो गया है, चमक रही हो ना मैं? इसे हफ्ते में 2 बार करूँगी ना तो सारी टैनिंग गायब हो जाएगी। तो अभी नहा लिया धो लिया है और लंच भी हो गया है और मुझे यार ये इतनी गंदी वाली नींद, बहुत गंदी नींद आ रही है, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही ढंग से। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। अभी बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना व्लॉग शूट करने का मन कर रहा है। सो मैं अब शाम को ही मिलूँगी, अभी मैं सो रही हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ नींद आती है कि नहीं। बिना सूरज के सूरज होंगे क्या लगता है, वही हो रहा है मेरा। तो मैं सूरज और तुम सूरज होंगी। मैं जिस दिन घर से आई थी उसके 24 घंटे के बाद ही आ गया था मुक्की। अब मैं कल घर जा रही हूँ, दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, मैं अपने समोसे में कंसंट्रेट करती हूँ। The next day. Hey guys, it's next day. और कल तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी शूट करने का। शाम को फ्रेंड आई थी, उसके साथ थोड़ी सी गप्पे मारी बैठ के और फिर बस, कुछ ऐसा था भी नहीं दिखाने के लिए। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और कल भी है ना मेरा ब्रेकफास्ट बनाया था ना, मेरा फेवरेट बन भुर्जी, तो आज मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ उसका फेवरेट बनाती हूँ। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ अप्पे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर मैं कल चली जाऊँगी, तो मैंने सोचा जाने से पहले उसे खिला देती हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं अप्पे। बाहर ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसकी आवाज़ आ रही है, सो इग्नोर करना। तो आ जाओ किचन में चलते हैं और बनाते हैं अप्पे। कल तो ने मुझे बन भुर्जी खिलाई थी ना, इसके बदले
और ये थोड़ी सी रिश्वत दी है क्योंकि तो अभी मेरे साथ बैंक जाएगा। मास्टर शेफ मजा नहीं आ रहा। ठीक है मैं सुनूंगा नहीं ऐसे करके शेफ करते हैं। आप खा के देखो कैसा। लेट मी ट्राई। मास्टर है मास्टर मजा तो आ रहा है। और ये कप भर के चाय ये देख लो दोस्तों, ऐसी चाय दिन भर में 5-6 बार बनती है सिर्फ और सिर्फ। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा चाय का लवर है जो दिन भर में इतने बड़े बड़े कप चाय पीता होगा? कमेंट में बताइएगा। चलो अब मेरी बारी है, मैं भी खाता हूँ। सो अभी मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है बैंक, मुझे कुछ काम है तो मैं भैया के साथ जाऊँगी। और कल शाम को मुखिया आए थे ना तो मैंने उन्हें अपना एक बैग पकड़ा दिया था। जब मैं वहाँ से आई थी ना, मतलब घर से आई थी, सो मैं पूरा खाली खाली लेके आई थी। वही होता है ना जब मायके से घर जाते हैं तो सामान भर भर के होता है। अभी भी मम्मी ने बहुत सारा सामान पैक करके रखा है और एक बैग मैं पहुँचा चुकी हूँ कल ही क्योंकि मैं स्कूटी से आई थी। सो मैंने मुखिया को कहा तुम एक बैग लेके चले जाओ, बाकी मैं लेके आ जाती हूँ। सो अभी मम्मी मेरे सामान पैक कर रही है, कुछ ना कुछ दे ही रही है मम्मी। और आज शाम को मैं सोच रही हूँ कि निकल जाऊँ, तो बस एक हफ्ते की छुट्टी थी, ज़्यादा नहीं थी। सो मैं सोच रही हूँ कि अब शाम को आज मैं निकल जाती हूँ। तो मम्मी बस वही पैकिंग वैकिंग कर रही है मेरी और मेरा बैंक का काम है, तो मैंने सोचा वो भी मैं निपटा लेती हूँ। सो बस अभी चलती हूँ और आपसे आने के बाद मिलती हूँ। हमारी बहुत नाकाम कोशिश करने के बाद हमने बुलाया है अमरूद तोड़ने के लिए इंसान एक्सपर्ट। हाँ अभी हमें तोड़ के देंगे अमरूद। इन्हें अमेरिका से भी पार आते हैं, पहले जाते नहीं। प्लीज यार ना पानी की बोतल जगह ही दी है गाड़ी में। सामान दिया कि नहीं था इसको? आधा दे तो दिया। ये पीला बैग भी दे देता तो लैपटॉप पर ले जाता, वैसे ले जाता उसमें नीचे। चल देख लो, ये लड़की की छुट्टी खत्म हो गई ना तो ये रो रही है। पिछले 10 मिनट से यहाँ पे बैठ के रो रही है। ऐसा होता देखो छुट्टी खत्म होने पे। देखो जितना तेज रो रही ना उतने तेज हंसते हुए चिल्लाते हुए गई थी, मेरी छुट्टी हो गई। भागो, छुट्टी मिल गई दोस्तों, छुट्टी मिल गई। चलो चल आ जा। चल चल चल। मैं आ गई हूँ वापस अपने घर, सो बैक टू बेसिक। एंड बहुत मुश्किल होता है यू नो बाय बाय कह के वापस आना, इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय। और मुख्य मुझे हमेशा कहता है कि यार अब तो इतना टाइम हो गया है तो अभी भी क्यों रोती है, क्योंकि यार बुरा लगता है, इट्स अ रियल पेन। मतलब एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ के आना, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आना, अपना पूरा बचपन जहाँ पे उसने गुजारा उसे छोड़ के आना, अपने भाई बहनों को छोड़ के आना, फ्रेंड्स को छोड़ के आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि इसलिए लड़कियाँ स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो ये सारा पेन जो है ना वो झेलती हैं, और वो इतनी स्ट्रांग होती हैं इसीलिए वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आती हैं और उस घर को भी अपना घर बना लेती हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स। और जिनकी शादी हो गई है वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है अपने पेरेंट्स को छोड़ के आना। एंड जिनकी नहीं हुई है तो बच्चू रेडी रहो इस पेन को झेलने के लिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में आता है। एंड आप लोग भी जल्दी समझ जाओगे कि मैं किस पेन से गुजर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए मैं गई थी और फिर वापस आना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और वैसे बीच बीच में मैं जाती रहती हूँ, मेरा शादी का मोटो ये था कि मैं किस लोकल में ही शादी करूँगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स से मतलब मिलती रहूँ, है ना। लेकिन अभी जैसे रह के आना और फिर वापस आना तो इट्स वेरी पेनफुल।
बट कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना चीज़ों को, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगना कम हो जाता है। जब शादी होती है ना शुरू में, उस टाइम पे ये पेन का जो लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। सो जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना धीरे धीरे कि नहीं अब यही पार्ट है लाइफ का, अब ऐसा ही होना है, अब ऐसा ही होगा, सो आपको तब थोड़ा बुरा लगना कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि बुरा लगना बंद हो जाएगा, नहीं वो कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हो कि अब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये होगा, मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। सो पिछले 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, अंदर से हो ही नहीं रहा था कि मैं व्लॉग शूट करूं। और जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं नहीं करती, मतलब मैं अपने आप को पुश नहीं करना चाहती किसी चीज़ के लिए जो मेरे अंदर से नहीं आ रहा था कि मैं करूं। सो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ली थी, मैं ज़्यादा नहीं ले पाई और नहीं ली, बट जो भी था मतलब आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। एंड बैक टू बेसिक, अभी मम्मी पापा गए हैं वॉक पे और मैं बना रही थी डिनर, तो आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। आ जाओ किचन में चलते हैं। तो ये रहा आज का डिनर हमारा, मटर मशरूम जो बनके रेडी है, और आटा लगा दिया है मैंने, मम्मी पापा जब आएंगे तो फिर मैं रोटी बना दूँगी। अच्छा लग रहा है ना, ये बिना टमाटर के बनाया मैंने आज, क्योंकि आज घर में टमाटर नहीं था, बट अब जब सब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा हो रहा है तभी पता चलेगा कि कैसा बना है। सो गाइज, मैं शाम को आ गई थी वापस, और ये लड़का मुझे इतने टाइम से कह रहा था मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, तू कब आएगी, तू कब आएगी, जबकि एक हफ्ते के लिए मैं सिर्फ घर गई थी, ठीक है। और अब मेरे आने के बाद ये देखो ये क्या कर रहा है, ही इज़ ऑन हिज फोन। मतलब जब से मैं आई हूँ ये सिर्फ फ़ोन चला रहा है, मेरे मुँह के आगे बैठ के ना मुझसे कुछ बात कर रहा है ना कुछ। तुम क्या चला रही हो? मैंने अभी खोला है मुख्य फ़ोन ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। मैंने भी तभी खोला। रहने दो बस। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही था, मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो बस जितना भी था वो ऐसे मिक्सअप करके मैं इसको ब्लॉग को बना दूँगी। और आई होप आप लोग समझोगे कि मुझे कैसा सा फील हो रहा है, अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और एक ही आदमी है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसने मुझे सिर्फ आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद सिर्फ अपने फ़ोन पे लगा है, ना मुझसे बात कर रहा है ना कुछ। तो अभी मेरा दिल थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है मुझे, और अभी कुछ भी करने का मन नहीं है। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। इस वक्त मुझे फील ब्यूटीफुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं लग हो रहा है अभी। ऐसे उदास रह रहे कि ऐसे व्लॉग करूँगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और मुझे तो वैसे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे अच्छा फील होगा मैं तब व्लॉग करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।